इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें। नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूँ आपके साथ अंकित माथुर। इस वक्त की बड़ी और खास खबर आ रही है सिरोही के आबू रोड से, जहाँ रेड़वा कला के दुनाकाकर में आदिवासी क्षेत्र में रविवार देर शाम को धर्म परिवर्तन कराने का खुलासा हुआ है। जब हिंदूवासी संगठन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने धर्म परिवर्तन का विरोध जताया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर आबू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और केरल से आए परिवार को हिरासत में ले लिया गया है। आदिवासी क्षेत्र में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। जानकारी के अनुसार आबू रोड सदर थाना क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य रेड़वा कला के दुनाकाकर में आदिवासी परिवार के धर्म परिवर्तन की हिंदू संगठनों को सूचना मिली। जानकारी में आया कि चार आदिवासी परिवारों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, जिस पर संगठन के पदाधिकारी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आदिवासी महिलाओं को एक कुंड में नहलाया जा रहा है और केरल से आए परिवार द्वारा बीमारी भगाने का दावा किया जा रहा है। तो वही लालच में आकर परिवार केरल के आए लोगों के कहे अनुसार सब काम कर रहा है। कुंड में नहाने के बाद मौके पर सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया। तो वही घटना की जानकारी मिलने पर आबू रोड सदर थाना अधिकारी आनंद कुमार जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने केरल से आए युवक से पूछताछ की तो आदिवासी महिलाएं पुलिस के विरोध में उतरकर युवक को घेर लिया और पूछताछ करने का विरोध जताया। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार आबू रोड के आदिवासी क्षेत्र में लोगों का बरगलाया जा रहा है और भ्रमित कर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। पुलिस के पहुंचने पर केरल के सिमोन और उसके परिवार ने पुलिस से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और महिलाओं की आड़ लेकर घर के अंदर बैठ गया। इस दौरान हिरासत में लेने के लिए पुलिस गई तो महिलाओं ने विरोध जताया। करीब एक घंटे तक चले इस घटनाक्रम के बाद आखिरकार पुलिस सिमोन के परिवार को हिरासत में लेकर आबू रोड सदर थाने पहुंची, जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। जो लोग हैं वो कुंडी में नहलाया जा रहा था और ये कहकर नहलाया जा रहा था कि कुंडी पे नहलाने के बाद में आपको कई तरीके की बीमारियां ठीक हो जाएगी। और लेकिन हमने इस बीच के अंदर में लोगों से आपस में पूछा तो हमें ये मामला संदिग्ध लगा और इस बहाने ये हमारे भोले वाले वनवासी लोगों को धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और उसकी ये पहली कड़ी के रूप में इन्होंने एक तरह से दिमाग के अंदर में बीमारी के बहाने इनके ये हमको हिंदू धर्म से उनको हिंदू धर्म से अलग करके ईसाई धर्म की ओर में आकर्षित करने का ये प्रयास हो रहा है। और इसके लिए इन्होंने लालच भी है, इन्होंने यहाँ बकरे कटवाए हैं, दारू बांटे हैं और ये सारी चीज़ें की है। और मुझे इन सबसे पूछा वस्तुतः पूछा है तो इनमें से जो प्रमुख व्यक्ति है वो हिम्मतनगर का है और मूलतः वो साउथ इंडिया मतलब केरल से बिलोंग करता है और उनका एक बहुत बड़ा रैकेट है जो उनका उद्देश्य ही धर्म परिवर्तन करने का है, कभी इधर कभी इधर, और भोले भाले लोगों को इसी तरीके से लालच देकर के और इस तरीके से अपने धर्म के प्रति एक आडंबर फैला करके। और इस हमको इनका कुछ घर में फंक्शन देखा था तो हमको बुलाया तो हम मेहमान धर के इनके घर पे पहली बार इस गांव में आया, ये गांव भी हम पहली बार देख रहे हैं। कुछ लोग धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए आप पूछ लीजिए, देखो प्लीज आप लोगों ने बोलो आपका कोई धर्म परिवर्तन करना हमने बोला नहीं, हमने किसी को नहीं बोला सर। हम मेहमान दर के आया, हमको बोला सर आप आना तो हमें गरीब विस्तार में इनको बुलाने से लिए आया। आप कहाँ के? हम तो वैसे हिम्मत रहता है, कभी उदयपुर रहता है। प्रॉपर केरल से? प्रॉपर केरल। मलयाली का? मलयाली है सर। मलबार साइड के? सर मलबार का नहीं, एर्नाकुलम। और फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज और मुझे यानी कि अंकित माथुर को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।